ओके। तो तुम कल ऑफिस जा रहे हो? ऑफिस क्यों? क्यों क्या? अरे ऑफिस का कामकाज नहीं सीखना तुम? मैं क्या करूंगा सीखकर? I'm anyways going to London. 4 दिन बाद फ्लाइट है मेरी। तुम रिटर्न टिकट लेकर आए हो? हाँ दादी, मैं तो यहाँ बस आपको देखने आया था। आपने मुझे कहा था ना कि बीमार हूँ बेटा, आ जा, तो मैं आ गया। और अब आप बिल्कुल ठीक है, टच वुड, तो मेरे यहाँ रुकने का कोई रीजन नहीं बनता। कोई रीजन नहीं? कितने सालों बाद आए? अपने परिवार और बिजनेस की तरफ तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? देख विजय सागर, हमारे परिवार के चिराग हो तुम, हमारे वारिस हो तुम। महेश्वरी मसाला तुम्हारी विरासत है, आगे जाकर सब कुछ तुम्हें संभालना है, राइट? दादी, ये बिजनेस वगैरह मेरे बस की बात नहीं। पापा, आई एम नॉट मेड फॉर दिस। और मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं लंदन वापस जा रहा हूं। दिस इज मौसी, मैम। हाँ, तुम्हें बहुत मानता है, बात कर लो, शायद कुछ सुन ले। जी। क्या हो रहा है ये सब? अपने बाप की बात का कोई असर नहीं हुआ सागर पर। शायद बाप की स्वर्गवासी मौसी के मुफ्तखोर बेटे की बात सुनकर कुछ अकल आ जाए। नाराज होने से क्या होगा? नुकसान तो आप ही का होगा ना। चलिए अब आप भी शांत हो जाइए और अपने मन को भी शांत कर लीजिए। ये भला क्या बात हुई सागर बेटा, इतनी छोटी सी बात पर तुमने अपनी दादी और भाई साहब से मुंह मोड़ लिया? तो और क्या करता चाचू? तुम्हारी दादी और भाई साहब की बहुत सारी उम्मीदें हैं तुमसे सागर बेटा। तो मैंने थोड़ी ना कहा कि मुझसे उम्मीदें रखे कोई। ना ना ना, ऐसा नहीं बोलते बेटा। अब इंसान अपने बच्चों से उम्मीदें भी ना रखे? और बेटा, तुम्हारे और तुम्हारे पिता की सोच में चाहे कितना भी फर्क हो, लेकिन एक पिता को उसके हिस्से का मान सम्मान, उसके हिस्से का प्यार मिलना ही चाहिए। तुम इतने सालों के बाद विदेश से वापस आए, सबसे इतने प्यार से मिले और अपने पिता के गले नहीं लगे, तो तुम्हारे प्यार के लिए तरस रहे हैं साखर बेटा। क्या एक बार के लिए, सिर्फ एक बार के लिए तुम सब कुछ भुलाकर उन्हें गले से नहीं लगा सकते? लोग भूलने देंगे तब ना चाचू। आप चाहते हैं कि मैं इनकी रिस्पेक्ट करूं, उनको मान सम्मान दूं। आई एम सो सॉरी चाचू, पर जिस घर में मेरी आंखों के सामने ये सब होता हो, मैं कोई जानता है किस घर में दादी की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और ये सब जो हो रहा है इस बात का दादी को पता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं जानता हूं कि मुझे मेरी दादी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मेरे पापा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो मैं करता हूं और करता रहूंगा, बट मैं कभी माफ नहीं करूंगा। गलती उन्होंने करी है उसकी उसकी माफी नहीं हो सकती। मैं इस घर में रहना ही नहीं चाहता जिस घर में मेरे पापा ही मेरी मां की इज्जत ना करते हों।
हेलो, हाँ जी सर, आप ही के कॉल का वेट कर रही थी जी। बताइए ना, कब से ज्वाइन करूँ? मिस शर्मा, मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि फिलहाल हमारी लॉ फर्म में आपके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी नहीं है मतलब? आप ही ने तो कहा था ना कि मुझे जॉब जरूर मिलेगा, मैं टैलेंटेड हूँ। Yes, I know. कहा था मैंने? And you are really good, Miss Sharma, but I can't hire you. वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप हायर क्यों नहीं कर सकते? आपको जॉब देकर हम अपने सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट क्लाइंट को अपसेट नहीं कर सकते। सर, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ आपका ये क्लाइंट कौन है? महेश्वरी, महेश्वरी मसाले। सरस्वती, इस घर की बहू इस तरह नंगे पांव दौड़ते हुए बिना सोचे समझे शोभा नहीं देता ना। आप ठीक कह रही हैं माँ, मुझे को ध्यान रखना चाहिए था, पर क्या करूं माँ, मन ही नहीं माना। ऐसा लगा जैसे माँ सच कही है ना, कोई आया था ना? हाँ, कुरियर आया था दिग्विजय के लिए। कमल, इसे कमरे में ले जाओ, आराम करो। सॉरी माँ। चलिए सरस्वती, आइए। अब भी तुम हमसे यही कहना चाहते हो कि हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सब कुछ अच्छे से संभाल लोगे? उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मुंह उठाकर यहाँ चली आई, तुमसे बहस करती है, इतना ही नहीं तुम पर केस करने की धमकी दे गई। हाउ डेयर शी। ऐसी कोई बात नहीं है माँ, रिलैक्स। चींटी है, मामूली सी जान है उसकी। चींटी हाथी की भी जान ले सकती है, जैसे कि वो सरस्वती। उसने अपने पति गौतम के हाथों हमारा पूरा बिजनेस सौंपने की चाल चली थी, और वो अपने इस चाल में कामयाब हो जाती अगर उसका एक्सीडेंट ना होता। उस दिन से लेकर आज तक हम चैन की सांस नहीं ले पा रहे हैं, बाल बाल पुलिस के चंगुल से बचे हैं। उस समय अगर सच बाहर आ जाता ना, तो खूनी का कलंक माथे पर लग जाता। आज भी डर की तलवार सर पर लटक रही है, और उसमें ये लड़की आ गई, एक टीचर की बेटी महेश्वरी को ललकारने आ गई। माँ, अगर कमल ने अपना काम ठीक से कर दिया होता ना, तो ये नौबत ही नहीं आती। परफेक्ट, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। अब सारा दोष कमल के माथे पर मर दो, कह दो वो निकम्मा है, वो डरपोक है, पर याद रखो दिग्विजय, भूल भले ही प्यादे की क्यों ना हो, भुगतना राजा को ही पड़ता है। कि जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम अपना काम अच्छी तरह करने में चूक गए, और इसीलिए वो 2% की लड़की महेश्वरी के घर में घुस गई। ये तुम्हारी नाकामी है। आज तुम्हारी नाकामी की वजह से महेश्वरी के नाम पर दाग लग गया है। ये हमारा घर, जिसे हम अभेद किला समझते थे, आज इसकी दीवारें कमजोर हो गई। लेकिन माँ, उस लड़की को बाहर निकाल दिया ना। लेकिन वो आई क्यों थी और कैसे? हालात बिगड़ रहे हैं दिग्विजय, हमारी कंट्रोल के बाहर जा रहे हैं। वो कैदी, उसका भी अब तक कोई पता नहीं चला ना। हाँ माँ, काम डाउन, कैदी के बारे में भी पता चल जाएगा। और रही बात उस लड़की की, घबराती हुई रोती हुई निकली है यहां से, देखा नहीं क्या आपने? हमने सब कुछ देखा है,
तुम अपने बारे में सोचो। क्या तुमने देखा कि जब उस लड़की के कदम हमारे घर में पड़े, सरस्वती की बेचैनी किस कदर बढ़ गई? देखा तुमने? नहीं देखा ना? क्या तुमने देखा कि तुम्हारा बेटा सागर उस लड़की के पीछे बाहर चला गया? देखा तुमने? नहीं देखा ना? हेलो, लिसन। नहीं सुननी है मुझे तुम्हारी कोई भी बात। मेरी बात तो सुनो तुम। नहीं सुननी है। मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना, नहीं सुननी है मुझे तुम्हारी कोई भी बात। जस्ट अ सेकंड, प्लीज एक बार। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से स्कूटी शुरू नहीं हो रही है, पता नहीं कैसे शुरू होगी। यू नो व्हाट, मेरी मम्मी ने कहा है मुझे कि सुबह सुबह अगर अच्छे इंसान की शक्ल देखो ना, तो आपका दिन बहुत अच्छा चला जाता है। और आज मैंने बहुत अच्छे इंसान की शक्ल देख ली। देखो कितना अच्छा दिन जा रहा है मेरा। देखो मैं जानता हूँ कि मेरे पापा ने तुमसे बहुत रूडली बात की, और इसीलिए मैं तुमसे बात करने आया। आई कैन हेल्प यू। वाओ, मतलब तुम्हारे पापा डरा के धमका के किसी को घर से बाहर धक्के मार के निकाल दे और बेटा यहाँ पे मनाने आ गया है। लिसन, आई डोंट नीड योर हेल्प। आई हैव ऑलरेडी सेड दैट आई डोंट नीड योर हेल्प। थैंक यू सो मच। मैंने कहा ना तुमसे, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। स्कूटी मेरी है, मुझे पता है कैसे शुरू करनी है। पर मेरी बात सुनने में हर्ज क्या है? कुछ नहीं सुनना है। सुन बस एक बार मेरी बात। आज मैं मैडम जी को सारा सच बताकर ही रहूंगा। आज मैं उनसे माफी लेकर ही रहूंगा। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।